इसके सिवाय हमारे देश में इतना समृद्ध खजाना है, कोई ना कोई इस भाषा से परिचय करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। अब विषय आया है कर्तव्य। एक तो अधिकार और कर्तव्य ये साथ साथ जो बोला जाता है वहीं से गड़बड़ हो जाती है। यानी अधिकार भाव के एक व्यवस्था है, कर्तव्य भाव के दूसरी व्यवस्था है। जी नहीं, हमारे कर्तव्य में ही सबके अधिकार समाहित है। अगर मैं टीचर के नाते अपना कर्तव्य निभाता हूं तो विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? तो फिर अधिकार और कर्तव्य का झगड़ा नहीं रहता है। महात्मा गांधी बहुत आगे तो वो कहते कि मूलभूत अधिकार नहीं होते, मूलभूत तो कर्तव्य होते हैं, और अगर करने वाले को स्वीकार नहीं करना है। बहुत सी चीजें हैं जो जीवन में एक एक हिंदुस्तानी करेंगे तो देश बहुत तेजी से बदल सकता है। और इसलिए एक नागरिक की बात सही है कि इन दिनों सिलेबस ऐसे बदल गए हैं और उतने सिलेबस का बढ़कर कभी हो गया है कि शायद जो हम लोग जब पढ़ते थे तब नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था, शायद अब वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दे, अपने लिए भी उपयोगी होगा, समाज जीवन के लिए भी उपयोगी होगा। और उसके लिए हमारे साथ, और आपने देखा होगा नई पीढ़ी एयरपोर्ट पे देखोगे क्यों खड़ी है, तो नई पीढ़ी क्यों दौड़ती नहीं, और एकांत व्यक्ति अगर क्यों दौड़ता है तो सारे लोग दूसरे करते हैं, क्योंकि वो अपनी डिसिप्लिन का कर्तव्य निभाता है। यही समाज जीवन में अगर स्वभाव बन जाता है तो देश का बहुत भला होगा।